हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गतिमान एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, सिसफल प्रमेय, जो कि सभी सेंट्रल एग्जामों में इससे क्वेश्चन मिलते हैं और साथ ही साथ स्टेट लेवल के एग्जामों में भी क्वेश्चन मिलते हैं। और क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, क्वेश्चन ये बहुत ईजी भी लिखा हुआ है और थोड़ा टफ भी है। अब इस क्वेश्चन को आपको हल करना है तो सबसे पहले आप गुणा करेंगे और 17 से भाग करेंगे। गुणा करने के बाद 17 से भाग करेंगे, लगभग आप 5 मिनट का समय ले जाएंगे, जो कि आपको कितना सेकेंड का समय लगना है इस क्वेश्चन में, दोस्तों 5 सेकेंड का। देखिए, यहाँ से आएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस टू, ये माइनस टू और ये भी माइनस टू और ये प्लस वन। बस आपको इतना करना, बीच में जो साइन लगा है उसका यूज करते जाना। दो दूनी चार कैसा, माइनस का, चार दूनी आठ, प्लस का, आठ एकम आठ। आपका रिमाइंडर कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। जी हाँ, बस आपको इतना समय लगेगा और इससे भी कठिन क्वेश्चन में और इस तरीके के सभी क्वेश्चनों में। और इस वीडियो में दोस्तों हम सभी टाइप के क्वेश्चनों को कवर करेंगे और हम इस चीज को भी समझेंगे कि ये प्लस का क्यों लिया, माइनस का क्यों लिया, क्या है इसके पीछे का राज। तो मैं आपके लिए पूरी की पूरी बेसिक फाउंडेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को स्किप ना करें और चीजों को बहुत ध्यान से देखें। देखिए होता क्या है, जैसे हम 15 में भाग देने लग रहे हैं, 15 में, 15 में अगर हम भाग दें दोस्तों, किससे, 7 से भाग दें, 15 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो आप बोलेंगे 7 का 2 गुना 14। यहां से जो आपका रिमाइंडर आएगा दोस्तों कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 7 का 2 गुना 14 रिमाइंडर आ गया आपका 1। क्लियर है, ये सिसफल कहलाएगा। ठीक है, ये बहुत ही छोटी बात है, ये सिसफल है, ये आपका पता है भाजक है और ये भागफल कोसेंट है और ये डिविडेंट आपका भाज्य है। क्लियर है, और भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन सिसफल होता है। ठीक है, अब अगर इसी 15 में हम 7 की टेबल 2 टाइम ना पढ़ के 3 टाइम पढ़ लें, तो 7 3 21, 7 का 3 गुना 21, और इस 21 में से 15 को घटाएं तो यहां से माइनस करेंगे, 21 माइनस 21 में से 15 आप करोगे तो कितना है दोस्तों, 6 आ जाएगा। क्लियर है, 6 आ जाएगा, और वो भी कैसा आएगा, माइनस का आएगा। ये आपका यहाँ पे तो प्लस का आया था, यहाँ आया माइनस का। अब आपने देखा कि दो दो रिमाइंडर हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और किसी भी नंबर का जो सेसफल है वो माइनस में नहीं हो सकता है। क्लियर है, तो जब भी माइनस का कभी सेसफल आता है उसको हम भाजक में से माइनस कर देते हैं। 7 में से 6 घटाओगे दोस्तों कितना आ जाएगा, आपका ओरिजिनल सेसफल आ जाएगा। अब इसकी जरूरत क्यों आन पड़ रही है हमारे लिए, उस चीज को समझने की कोशिश करो। क्योंकि जब भी कोई बड़ा नंबर लिखा होगा और जैसे ही यहां पे देखें -6 आ रहा है सेसफल और यहां +1 आ रहा है, तो हम छोटा नंबर लेंगे, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया भी था। अब यहां पर दिक्कत कोई नहीं है, जैसे ये लिखा हुआ है 15 डिवाइड बाय 7, 15 में आप 7 से भाग देंगे तो आपने 7 का 2 गुना 14, यहां से रिमाइंडर आया आपका 1। क्लियर है, फिर इसी 15 में आप 7 की टेबल 3 बार पढ़ दें, 7 का 3 गुना 21, 21 में से आप 15 माइनस करो कितना आ गया, 6 आ गया। फिर अगर इन दोनों के आप चिन्हों को इग्नोर करें तो इन दोनों का जो टोटल या सम होगा वो किसके बराबर होगा, भाजक के बराबर होगा। एक बात और मैं आपके लिए क्लियर कर दूं, जो प्लस का सिसफल होता है वो हमेशा सही होता है प्रैक्टिकली और टेक्निकली भी, लेकिन जो माइनस का सिसफल होता है वो केवल और केवल टेक्निकली सही होता है, प्रैक्टिकली सही नहीं होता है। ठीक है ना, प्रैक्टिकली सही नहीं होता है। तो इसकी हमको जरूरत क्यों है, जरूरत इसलिए है क्योंकि इससे हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन हल हो जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हल हो जाते हैं। अब यहां पर हम और दूसरा कोई नंबर देखेंगे जिससे कि हम इन चीजों को समझ पाए बहुत अच्छे से, कि आखिर इसकी जरूरत हमको क्यों पड़नी है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें मैं आपके लिए बताऊं, यहां पर यह लिखा हुआ है 17 में हम 9 से भाग दें दोस्तों, 17 में हम 9 से भाग दें, थोड़ा सा आप ध्यान देना चीजों को। तो एक तो आप बोलेंगे कि 9 1 9, क्योंकि 9 का एक बार ही भाग जाएगा अगर अपन रियल मायने में देखें दोस्तों, तो यहां से जो सेसफल आएगा वो 8 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 17 में 9 की टेबल 2 बार पढ़ दें, 2 बार भाग दे दें, तो 9 2 18, जो कि 17 से एक बड़ा हो गया, तो आप 18 में से 17 घटा दोगे तो ये आएगा -1। यहां आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस लगाओ या ना लगाओ। दूसरी बात, इन दोनों को अगर चिन्ह इग्नोर करके, चिन्ह को अनदेखा करके, माइनस वाले को अगर आप जोड़ेंगे, सम करेंगे, तो भाजक के बराबर होगा। देखिए 8 और 1 9। अब यहां कभी भी या जहां कभी भी माइनस का सिसफल आता है उसको हम भाजक में से घटा देते हैं तो हमारा ओरिजिनल सिसफल आ जाता है। ओरिजिनल सिसफल कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा ओरिजिनल सिसफल। ठीक है ना, अब और कोई नंबर जैसे ये लिखा हुआ है 4 में हम डिवाइड करें दोस्तों 7 से, 4 में डिवाइड 7 से कर लें हम। ठीक है,
तो आप देखेंगे कि फोर ही रिमाइंडर है, फोर ही आपका कैसा है, रिमाइंडर है। कब? जब आपने सेवन की टेबल जीरो टाइम पढ़ी। जी हाँ, सेवन की टेबल जीरो टाइम भी पढ़ी जा सकती है, ठीक है। तभी तो आपने देखा होगा कि सेवन का भाग हम जीरो में कर रहे हैं, तो जीरो सेवन जीरो या जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, सब कुछ जीरो। और आप जानते हो जीरो डिवाइड बाय सेवन, सॉरी सेवन जीरो बाय सेवन, जीरो बाय सेवन मतलब सात का भाग अगर हम जीरो में दे रहे हैं, एक ऐसा नंबर, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, रेशनल नंबर है, क्लियर। अब इसका मतलब जब हम सेवन की टेबल पढ़ते हैं, सात का दो गुना चौदह इक्कीस, इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर अट्ठाईस और ये पैंतीस, तो आप देखेंगे कि यहां पर सात सात का अंतर है, सभी में सात सात का अंतर है, अब प्लस सेवन हो रहा है। तो क्या आप देखेंगे ये कहां से आया, ये भी तो कहीं से आया होगा ना, यहां भी तो प्लस सेवन का अंतर होना चाहिए, तो ये प्लस सेवन कहां से आया, जीरो से, मतलब सेवन जीरो जा जीरो, सेवन वन जा सेवन, सेवन टू जा फोर्टीन, इस तरीके से, ठीक है, ये टेबल आगे बढ़ती जाती है। तो अगर आपने सेवन का डिवाइड जीरो में किया, सेवन का डिवाइड सॉरी जीरो टाइम किया, सेवन जीरो जा जीरो, तब आपका रिमाइंडर फोर है। लेकिन आप सात का भाग एक बार पढ़ दें या सात की टेबल एक बार पढ़ दें, सात एकम सात, तब आपका रिमाइंडर दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा। क्योंकि इस तरीके से आप लिखेंगे सात एकम सात, यहां से माइनस करेंगे तो ये आपका माइनस का थ्री आएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली बिल्कुल भी सही नहीं है। आप सेवन में से थ्री माइनस कर देंगे, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा। मेरे हिसाब से आप इतनी बातों को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि आपको करना क्या है। कोई भी आपके सामने नंबर है, कोई भी कैलकुलेशन है, चाहे वो प्लस में लिखी हो, माइनस में लिखी हो, जो भी आपका भाजक है, आप उससे भाग दे के देखें। जब आपको कभी क्या निकालना है, शेषफल निकालना है, भाग दे के क्या देखें आप कि शेषफल छोटा लें आप, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। उसके बाद जो आप पूरी संख्या का या जो पूरे सवाल में प्लस माइनस गुणा जो भी लिखा है उनका कैलकुलेशन करेंगे, वही आप किसका कर दें दोस्तों, उन शेषफलों का कर दें, प्लस माइनस के चिन्हों को ध्यान में रखते हुए, तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे हम देखते हैं यहां पर दोस्तों, छोटा नंबर कोई लिख के, जैसे 70 गुणा ये लिखा हुआ है आपका 64, इसमें डिवाइड करना है आपको 9 से और शेषफल बताना। मैं बहुत छोटा नंबर लिख रहा हूं, कोई बड़ा नंबर नहीं लिख रहा हूं, बस आप चीजों को ध्यान से देखते जाना। अब यहां पर आप बोलेंगे यार कोई बड़ी बात नहीं है, 70 गुणा 64 कर देंगे डिवाइड बाय 9, शेषफल जो आएगा भाग देने पर वो हम आंसर कर देंगे, यही करेंगे ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं, हमको इतना छोटा नंबर ही हर जगह थोड़ी ना मिलेगा, बहुत बड़े क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तब आपको एक चीज और क्लियर है कि 70 है जो 9, सॉरी 9 है जो 70 के डिवाइड में भी है, 64 के डिवाइड में भी 9 ही है। तो यहां से जब हम 70 में भाग देने लग रहे होंगे, 70 में हम 9 का भाग देंगे तो 9 7 63 दोस्तों, 9 7 63, रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, प्लस सेवन आएगा। 9 7 63 कितना आएगा दोस्तों, रिमाइंडर 7 आ जाएगा, बस हम प्लस माइनस लगा रहे हैं अभी ना। फिर अगर हम इसी 70 में 72 तक भाग दे दें, 9 8 72, तो इससे कितना ज्यादा हो गया दोस्तों, 2, तो माइनस 2 यहां पर ले लेंगे हम, ठीक है ना। इन दोनों के चिन्हों को इग्नोर करके, अनदेखा करके जोड़ेंगे तो भाजक के बराबर होगा। इसी तरीके से 64 में भाग देंगे, 9 7 63, रिमाइंडर 1 आएगा। फिर अगर 64 में भाग देने पर अगर हम 63 तक भाग ना दें, 72 तक भाग देने लगे, 9 8 72, तब आपका शेषफल कितना आएगा दोस्तों, -8 आएगा। क्योंकि 64 से 72 कैसा है दोस्तों, 8 ज्यादा है, क्लियर है। दूसरी अच्छी बात यह है, जब कभी भी आप किसी भी नंबरों में भाग दे रहे हो, खैर जरूरत पड़ती नहीं है लेकिन मैं बता दूं आपको, तो अगर आपके पास एक शेषफल आ गया है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, तो दूसरा आप ऑटोमेटिक ही उस भाजक से घटा के निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का टोटल भाजक के बराबर ही होता है। जैसे यहाँ पे 7 आ गया था प्लस का, तो आप 9 में से 7 घटाते माइनस का 2, या फिर यहां पे माइनस का 2 आ गया था तो 9 में से 2 घटाते प्लस का 7, क्योंकि ये आपको याद रखना कि आपने निकाला कौन सा है, इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि डबल शेषफल क्यों निकालेंगे हम सिंगल ही निकालेंगे, जो हमारे लिए छोटा लगेगा हम वो निकालेंगे और उससे हम हल करेंगे। लेकिन यहां पर सबसे पहले हमारे लिए चेक करने और समझने की जरूरत है चीजों को, तो चेक करने के लिए मैं एक एक आपको टर्म पूरी समझाता हूं और चार टाइप से आपको इसको
हल करके बताऊंगा, जिससे कि आपका रिमाइंडर थ्योरम पूरा का पूरा दिमाग में फिट हो जाए। फर्स्ट में हम 7 ले लेंगे, ये वाला 7 प्लस 7 इंटू इसको लेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, ये इसी के शेषफल है, ये अलग वाली टर्म है, यहाँ गुणा लगा हुआ है, गुणा यहाँ पर प्लस 1, तो 7 बन जाए 7। दोस्तों आपका रिमाइंडर कितना आ गया इस पूरे कैलकुलेशन में, 7 आ गया एक टाइप से। दूसरे टाइप से दोस्तों हम देखेंगे, ये 7 ले लेंगे इंटू ये माइनस का हम 8 ले लेंगे, ये माइनस का 8 ले लेंगे, इंटू करेंगे क्योंकि इंटू ही लगा हुआ है बीच में, 8 × 7 = 56 माइनस का, यार ये तो 9 से बड़ा आ गया। वैसे अगर इसकी वैल्यू में देखें तो 9 से छोटा है क्योंकि माइनस 56 है, लेकिन ऐसा नहीं, नंबर में देखें तो ये बड़ा है, तो हम फिर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कभी भी आपने आज तक देखा होगा भाजक से बड़ा शेषफल नहीं आया है, या तो शेषफल 0 या भाजक से छोटा, ठीक है। अब यहां पर आप भाग देने लग रहे होंगे तो 9 × 6 = 54, 54 आप 56 में से घटाओगे तो माइनस का 2। अभी अभी मैंने बताया माइनस का शेषफल कभी भी आता है तो घबराना नहीं है, क्योंकि माइनस का शेषफल टेक्निकली तो सही है लेकिन प्रैक्टिकली वह पूरा का पूरा गलत है, और जब प्रैक्टिकली गलत है तो उसे भाजक में से घटा देते हैं, तो 9 में से जब हम 2 घटाएंगे तो शेषफल हमारा ओरिजिनल क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। थर्ड कंडीशन में देखेंगे हम, ये वाला माइनस 2 ले लेंगे, ये माइनस 2 ले लेंगे इंटू ये प्लस का 1 ले लेंगे, 2 बन जा 2 या 2 × 2, यहां से ये माइनस का आया, फिर वही करना है, कभी भी माइनस का शेषफल आता है आपको भाजक में से घटा देना है, 9 में से आप 2 घटाओगे रिमाइंडर आपका 7। फोर स्टेप में देखें आप, इस वाले 2 को हम ले लेंगे इस वाले माइनस 8 के साथ में, है ना, 8 × 2 = 16 माइनस माइनस का इंटू होने पे क्या बन जाएगा दोस्तों, ये प्लस बन जाएगा, लेकिन अभी भी यह भाजक से बड़ा है, 9 से बड़ा है, तो 9 का आप फिर से भाग देंगे, क्योंकि आप ये बात जानते हैं शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा, डिविजर से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। 16 में आप जब 9 से भाग देने लग रहे होंगे तब यहां से आप देखेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अब आप फाइनली चीजों को देख सकते हैं कि मैंने चार तरीकों से आपके लिए निकाल के बताया हल करके, और आपका रिमाइंडर शेषफल एक ही आ रहा है, तो यहां से आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि आप चाहे शेषफल माइनस का ले लें या प्लस का ले लें, माइनस माइनस का ले लें, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस कुछ भी ले लें, बशर्ते आप कैलकुलेशन किस तरीके से करें कि जो चिन्ह लगे हुए हैं बीच में आप उस तरीके से कैलकुलेशनों को करते जाएं, आपका आंसर, आपका शेषफल जो भी आंसर है वो हमेशा सही आएगा, वो कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो माइनस के शेषफल हैं ये प्रैक्टिकली गलत हो सकते हैं लेकिन टेक्निकली बिल्कुल विथ प्रूफ और सिद्ध करके मैंने आपके लिए बताए हुए हैं, जो कि आपके लिए हमेशा हमेशा इसी तरीके से करने हैं और आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। इसमें अब आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत समझ में कम आया हो, तो आप वीडियो को एक दो बार देखेंगे आराम से चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल्वर होत निशान। इसका मतलब जब आप बहुत बार अभ्यास या प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए चीज़ें आने ही आनी हैं और आने ही लगेंगी, ठीक है ना। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है ये 17 53 × 17 49, ये मैं वही क्वेश्चन लिख रहा हूं अगर आप समझ रहे हो, जो कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं आपके लिए, मैं सभी के सभी क्वेश्चन कराऊंगा। ये देखें, अब ये आपको स्टार्टिंग में भले समझ में ना आया हो लेकिन अब इस बात की तो गारंटी है कि आपको समझ में आएगा, और बशर्ते आप 2-3 सेकंड में रिमाइंडर थ्योरम को, शेषफल प्रमेय को हल करेंगे। 1753 में जब हम 17 से डिवाइड कर रहे होंगे दोस्तों, तो अगर आप देखें तो 1700 + 53 इस वाले पार्ट में तो पूरा पूरा भाग जाएगा, अगर हम 1753 को तोड़ के लिखते हैं, 53 में बस हमको भाग देना है, बात आप समझ ही रहे होंगे, या फिर 17 × 17 यहां पर ये भाग ना जाए, भाग नास्ती शून्य आएगा, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम भागफल पे काम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो शेषफल पे काम कर रहे हैं ना। तो यहां पर 1753 लिखा हुआ है, ठीक है, ये का आप देखें यहां पे 17 × 51, 17 × 3 कितना हो गया दोस्तों, 51 हो गया, आपने देखा शेषफल कितना आया, 2 आया, कैसा आया, प्लस का आया, सिंपल, ठीक है। फिर 1749 में इसी तरीके से 17 × 17 49 में अगर हम भाग दे रहे होंगे तो 17 × 51 शेषफल आया माइनस का 2। अब अगर आप बोलेंगे नहीं माइनस का क्यों लेंगे हम प्लस का ही लेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा 17 × 2 = 34 और यहां पर आएगा दोस्तों प्लस का 15।
मेरे हिसाब से आप इतने में ही समझ रहे होंगे कि आप फिर इतने का गुणा करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपके साथ हो जाएगा 17 बटा 85, तो यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा दोस्तों, माइनस का 2। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, 17 बटा 85 हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पर आपका जो शेषफल आएगा प्लस वाला वो 15 आएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस का 1 आएगा। मेरे हिसाब से आप भली भांति समझ रहे होंगे कि अगर हम प्लस प्लस का ही शेषफल लेंगे तो समस्या कहाँ आएगी, समस्या ये आएगी आपको फिर से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है ना, यहाँ पे पूरे का गुणा करोगे फिर आपको पता है भाजक से बड़ा आएगा, और फिर जब भाजक से बड़ा आएगा फिर से 17 का भाग दोगे, मतलब आप इसी में आप टाइम पास करते रहोगे, मतलब चीज़ें आपकी बाहर जाती रहेंगी, है ना, क्लियर है, और आपके क्वेश्चन जल्दी हल नहीं होंगे। इसी वजह से हमारे लिए इस चीज की जरूरत है प्लस माइनस दोनों शेषफलों की, क्योंकि हमको ये नहीं देखना है कि प्लस का चिन्ह आ रहा है कि माइनस का, बस ध्यान रखना है प्लस माइनस चिन्हों का, और आपको छोटा शेषफल पे फोकस करना है, छोटे शेषफल पे। जैसे यहां पे 1749 में जब आप भाग दे रहे होंगे 17 3 क्या होना, आपको तो नजदीकी संख्या में भाग देना है, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके नजदीकी संख्या में भाग देने लगना है हमारे लिए, बस सिंपल। तो यहां पर माइनस का 2 शेषफल आया, यहां पर 17 बटा 85, यहां पर माइनस का भी 2 आया, क्लियर। अब इसको हम यहां पर लिख लेंगे गुणा माइनस का 2, जो भी चिन्ह बीच में लगे हुए हैं, ये माइनस का 2 इंटू ये प्लस का 1, बस गुणा कर देना है, 2 2 4 कैसा माइनस का, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, 4 2 8 ये कैसा हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 8 1 8, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, 8 आपका रिमाइंडर हो गया, सिंपल। मेरे हिसाब से आप इतने में बातों को समझ गए होंगे। अब अगर क्वेश्चन यही होता दोस्तों, क्वेश्चन यही होता और बीच में साइन लगे होते कैसे प्लस के, तो आप बोलेंगे यार इसमें क्या शेषफल लगाएंगे हम प्रमेय, इसमें तो हम डायरेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे और 17 से भाग दे देंगे। तो नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं करेंगे हम, तब भी रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज करेंगे, क्योंकि बसरते हमारे 5 सेकंड भी बचे तो वो भी एग्जाम में बहुत हैं। यहां से आपको ये तो बात समझ में आ गई कि आपको शेषफल कैसा लेना है, छोटा लेना है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। और इससे क्वेश्चन इतने ही नहीं है सीमित, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, घातों वाले बनते हैं, फैक्टोरियल वाले बनते हैं, हम सब देखेंगे धीरे धीरे और सभी को हल करेंगे और सभी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहां से देखा आपने प्लस 2 आया, ठीक है ना, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई वो तो ज्यों के त्यों लिखे हुए, बस मैंने बीच में प्लस लगा दिया, तो बीच में यहां पर भी प्लस लगा देंगे, यहां पर आपको माइनस और यहां पर ये प्लस 1, तो यहां से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन में चिन्ह लगे हुए हैं वो आपको सेम लगा देना है। यहां से देखें प्लस 2, ये आपका माइनस का 2 और यहां से माइनस का 2, ये प्लस 2, ठीक है, इनको आप कैलकुलेट करें, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया, सिंपल। और यहां पर माइनस का 2, और माइनस का 2 में से प्लस का 1 माइनस करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, माइनस का 1 ही आएगा ना। और जब कभी भी रिमाइंडर शेषफल माइनस में आ जाए तब हम क्या करेंगे, तब भाजक में से इसको घटा रहे होंगे, 17 में से 1 घटाएंगे दोस्तों 16। इसको आप चेक कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस पूरे को ऐड करना है और 17 से आपने भाग देना है, सिंपल, 17 से आपको भाग देना है, तो आपका यहां से रिमाइंडर निकल आएगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। क्या आ गया आंसर दोस्तों, 16 आ गया, 16 आपका रिमाइंडर आएगा अगर इसी क्वेश्चन में बीच में प्लस लगा होता तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, यहां पर चीजें हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत ऊपर से जा रही हूँ, तो इसमें आपके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी थॉट प्रोसेस को समझना पड़ेगा। थॉट प्रोसेस को समझने के लिए आपको चीज़ों को बार बार देखना पड़ेगा, चीज़ों को आपको बार बार देखना पड़ेगा, आपको इस तरीके से बार बार चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्लियर। ये लिखा हुआ है डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय कितना लिखा हुआ है 8, तब रिमाइंडर कितना हो गया। वैसे तो देखें यार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है, पहाड़ सा क्वेश्चन है ना, लेकिन इसको हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। बहुत जल्दी करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको इसकी बेसिक फाउंडेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। फैक्टोरियल जिनके भी मेरे प्यारे छात्रों को नहीं आता, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, फैक्टोरियल का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, पूरी जानकारी दोस्तों जो आपको कहीं नहीं मिलेगी वो उसमें मिलेगी, पूरी की पूरी बताई हुई है। तो आपको नहीं आता तो आप उसको देख के यहाँ पर वापस आ सकते हैं। अब आप देख रहे हैं फैक्टोरियल में तो डायरेक्ट हम भाग नहीं दे पाएंगे, या तो फैक्टोरियल को पहले पे हम सॉल्व करें। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आप जानते हैं दोस्तों कितनी होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे भाइयों, 2 ही होती है ना। और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है। और आगे आपको पता है सीरीज है ना,
क्या है, सीरीज है। और जब सीरीज है तो आपको पता है आगे क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 और 5 की वैल्यू इस तरीके से ये आगे हमने लिखा हुआ है, 1000 ही लिखा हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन सिंपल में कन्वर्ट हो गया है ना, सिंपल में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है। अब आप देख रहे हैं कि यहां पे ये फैक्टोरियल वाला तो कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बचा ही नहीं है, ये हमारा बचा सिंपल नंबर का। तो जब आप 8 का भाग 1 में देंगे तो आपका शेषफल क्या आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा, पॉजिटिव आएगा हम प्लस लगाएंगे, नेगेटिव आएगा हम माइनस लगाएंगे। वैसे तो अभी तक हम पॉजिटिव कुछ आता है हम लगाते नहीं साइन, यही लिखा हुआ है 5, कुछ भी साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है और ऐसा साइन है मतलब ये माइनस का है। बस यहां पर हम लगाएंगे चीजों को क्लियर देखने के लिए। यहां पर देखें शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। 6 में जब आप 8 का भाग देंगे दोस्तों, हमको छोटा लिखना है, कभी भी ये गलती ना करें कि नहीं छोटे नंबर हैं यार हम 6 ही लिख लें, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, लेकिन आपके वो दिमाग में चीज बैठने से समय लग जाएगा है ना, वो दिमाग में बैठ नहीं पाएगी जो हमको बिठाना है। तो यहां पर माइनस 2, फिर 8 का 3 गुना 24, यहां पर रिमाइंडर 0। अब ये बताइए आप मेरे लिए, क्या 120 में 24 फैक्टर नहीं है, बिल्कुल है। तो यहां पर रिमाइंडर 0 और इस तरीके से चलता चलता हर एक जगह रिमाइंडर 0। और आप देखें ये बीच में प्लस का साइन है, ध्यान देना मेरे भाइयों, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, ये प्लस का साइन है, ये वाला प्लस का, तो ये प्लस माइनस 0, तो आपका जो रिमाइंडर आया इस क्वेश्चन का वो क्या आया, केवल 1 आपका आंसर हो गया बस। तो यहां से आप एक चीज नोट कर लेना कि फैक्टोरियल 4 के आगे आने वाली, फैक्टोरियल 4 एवं 4 के आगे आने वाली हर एक फैक्टोरियल वैल्यू में 8 का गुणनफल होगा या फिर 24 होगा या 24 का गुणनफल होगा, क्योंकि जब फैक्टोरियल 4 में 8 का भाग जा रहा है तो फैक्टोरियल 5 में भी 8 का भाग जाएगा, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 में भी 8 का भाग जाएगा। इस तरीके से 8 का भाग हर एक फैक्टोरियल में जाएगा और हर एक फैक्टोरियल में जब 8 का भाग जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इसका मतलब जो फैक्टोरियल वाले इस क्वेश्चन में शेषफल का निर्धारण करेगा वो कौन करेगा, 1 से लेकर 3 की वैल्यू करेगी, क्लियर है, जो कि मैंने आपको यहां से हल करके बताई। अब आपको जब डायरेक्ट करने, क्योंकि इतना आप नहीं करेंगे और इतना ही नहीं करना आपके लिए, क्योंकि जब आप जीनियस हैं तो आप ऐसे थोड़ी ना पेन चलाते रहेंगे और टाइम पास करते रहेंगे, सीखने वाली बातें हैं। आप यहां आइए देखिए, फैक्टोरियल 1 यहां पर, रिमाइंडर 1, फैक्टोरियल 2 आप जानते हैं, क्योंकि कम से कम आपके लिए 5-6 फैक्टोरियल 7 तक वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 5-6 फैक्टोरियल तक की वैल्यू याद होनी चाहिए, इतने में ही आपकी पूरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकल जाएंगे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 × 2 = 6, ठीक है, तो यहां से 6 में आप 8 का भाग देंगे माइनस का 2। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 24 आएगी, 24 में आप 8 का भाग देंगे, 8 × 24 = 0, फिर 5 में भाग देंगे 0, यहां पर भी 0, क्योंकि इस फैक्टोरियल वैल्यू में, यार यहां पर एक 0 कम लगा हुआ, इस फैक्टोरियल वैल्यू में आप देखेंगे तो 24 तो होगा ही, मतलब 8 का मल्टीपल होगा, ये प्लस माइनस 0, आपका रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, 1 आपका रिमाइंडर आ गया, ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर हो गया दोस्तों, क्लियर है। दूसरी बात, अगर इसी क्वेश्चन को, क्योंकि आप समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन सिर्फ इतना होता, क्योंकि क्या होता है कई बार कंफ्यूज हो जाने के, आपके कंफ्यूज हो जाने की वजह से चीजें ज़्यादा नहीं बताई जा सकती ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि ऑफलाइन में आप पेशेंसफुली बैठते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है आप चीज़ों को उतने ध्यान से नहीं कर पाते। अगर क्वेश्चन यह होता, यही होता, बस मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए बता रहा हूँ, क्यों इसलिए भी बता रहा हूँ कि चीज़ें आपकी एक ही जगह से क्लियर हो जाए। अगर यही आपका क्वेश्चन होता, समझने की कोशिश करना, यही आपका क्वेश्चन होता और आपसे पूछा जाता कि इस पूरे फैक्टोरियल को ऐड करने पर इकाई अंक क्या आएगा, इस पूरे फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा इस पूरे फैक्टोरियल को जब हम ऐड करेंगे, तो यार ये तो निकालना मुश्किल है थोड़ा सा। मुश्किल क्यों है, क्योंकि सबको कौन जोड़ रहा है ना, सबको जोड़ने में तो समस्या होगी। तो इसके लिए मैं आपसे पूछूं कि अगर हम किसी भी नंबर में 78 में आपसे पूछूं कि इकाई अंक क्या है, तो आप बोलेंगे यार 8 है। इसी तरीके से 51 या 56, ये लिखा हुआ है आपका 51, इन में इकाई अंक, तो आप बोलेंगे 6, इसमें 1। और अगर मैं बोलूं 78 में 10 से भाग देने पे शेषफल क्या है, तब भी तो आप बोलेंगे 8 होगा। 56 में 10 से भाग देने पे शेषफल क्या है, आप बोलेंगे 6। 51 में 10 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा, 1। तो जो 10 से भाग देने पे किसी नंबर में शेषफल आ रहे हैं, वही उस नंबर या उस कैलकुलेशन का क्या है, इकाई अंक है। क्यों,
क्योंकि 10 से जब आप किसी नंबर में भाग देंगे तो 10 तो शेषफल आएगा नहीं, क्योंकि 0 आएगा या फिर 9 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन में 10 से भाग दे दें, और 10 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही तो इकाई अंक होगा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है किसके आधार पर हल होगा, ये होगा शेषफल प्रमेय के आधार पर हल होगा। तो आप चीजों को पहले से भी जानते हो, ये एक नेट की तरह चीजें उलझी हुई होती हैं मैथ में, एक दूसरे से चीजें लिंक होती हैं। तो इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन में हम 10 से भाग देने लग रहे होंगे, जब 10 से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वही उस इस कैलकुलेशन में इकाई अंक होगा, यूनिट डिजिट होगा। ठीक, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो भाई, ये आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा डोज है, एक्स्ट्रा आपके लिए मटेरियल मिल रहा है यहां से। यहां देखें, अभी हमने चेक किया हुआ था रिमाइंडर 1, 2 की फैक्टोरियल वैल्यू 2 ही होती है भाई, तो यहां पर +2, और 3 की फैक्टोरियल वैल्यू दोस्तों कितनी होती है 6, तो हम लेंगे माइनस का 4, और 4 की फैक्टोरियल वैल्यू दोस्तों होती है 24, 24 में लेंगे दोस्तों हम प्लस का 4। 10 से भाग दे रहे हैं ना, ये तो आप समझ रहे होंगे, 10 से भाग दे रहे हैं। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है दोस्तों कितनी, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है दोस्तों 120, आप जानते हो, मेरे हिसाब से समझ गए होगे, 120 में 10 का भाग देंगे रिमाइंडर आएगा 0। अब आप समझ रहे होंगे फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720, 720 में आप 10 का भाग देंगे शेषफल आएगा 0। इस तरीके से आगे आने वाले हर फैक्टोरियल में 0 होगा या 10 का मल्टीपल होगा, और जब 10 का मल्टीपल होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। इसका मतलब जो पूरा का पूरा यूनिट डिजिट इकाई अंक निर्धारण करेगा इस क्वेश्चन में, वो कौन करेगा, 1 से लेकर फैक्टोरियल 4 तक की वैल्यू। स्टार्ट करें स्क्रॉल करना, ये बीच में प्लस लगा हुआ है, यहां प्लस लगाएं, प्लस प्लस से कोई फर्क पड़ता नहीं, प्लस माइनस क्या हुआ दोस्तों 0 हो गया, तो 2 और 1 3। तो आप कह रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में जो इकाई अंक है ऐड करने पर वो कितना आएगा 3, क्लियर है, या फिर इसी पूरे फैक्टोरियल वैल्यू में 10 से भाग देने पे शेषफल क्या आएगा 3। लेकिन यहां पे 10 से भाग देने को हमसे नहीं बोला गया था, हमारा क्वेश्चन था कि भाई इस पूरे कैलकुलेशन को जोड़ने पे इकाई अंक क्या आएगा, तो हम शेषफल की सहायता से या शेषफल प्रमेय की सहायता से इकाई अंक निकाल रहे थे, इस वजह से हमने डिवाइड में 10 लिखा हुआ है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता कि फैक्टोरियल वैल्यू ये लिखी हुई है डिवाइड बाय 10, तब शेषफल कितना होता 3। लेकिन अभी हमारा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दोस्तों इकाई अंक ही कहलाएगा, यूनिट डिजिट ही कहलाएगा। ये आपके लिए दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट है, एक्स्ट्रा मटेरियल है, क्योंकि इसकी हेल्प से आप और ज्यादा क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे, और ज्यादा क्वेश्चनों को आप हल कर पाएंगे। जैसे मैं और क्वेश्चन लिख दूं आपके लिए, एक और क्वेश्चन लिखें, यहां तो मैंने ये इकाई अंक बताया, अब मैं बात करूं अगर यहां पर हम डिवाइड 12 कर लें और आपसे पूछा जाए कि रिमाइंडर क्या होगा, और आपसे पूछा जाए कि रिमाइंडर क्या होगा, इसके लिए अब आपको पता है क्वेश्चन तो यही बन सकते हैं भाई फैक्टोरियल में, या यहां पर नंबर बदल सकता है, ठीक है, यहां पर नंबर बदल सकता है, सिंपल। यहां पर आप 1 में भाग देंगे रिमाइंडर 1, 2 में देंगे आपको पता +2, यहां पर 6, तो कितना आएगा दोस्तों प्लस का 6 ही आएगा, क्योंकि चाहे प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो, 12 से तो दोनों ही बराबर 24। 4 की वैल्यू, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 24 ही होती है, 24 में आप 12 का भाग देंगे शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 4 के आगे आने वाले हर एक फैक्टोरियल की वैल्यू में 12 का भाग जाएगा, सिंपल, ठीक है, और यहां पर भी 0 ही आएगा, ठीक है। यहां से आप देखें 6 2 8 और 1 कितना आ रहा है 9। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर फैक्टोरियल पूरी वैल्यू में 12 से डिवाइड की जाए हल करने के बाद, तो आपका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा 9 आएगा। मेरे हिसाब से आप फैक्टोरियल को बहुत अच्छे से शेषफल प्रमेय वाले फैक्टोरियल के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और जो आपको मैंने स्टार्टिंग से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया होगा आप उसको भी समझ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही, लेकिन इसके जितने भी आपको घातों वाले शेषफल प्रमेय के क्वेश्चन मिले होंगे या फिर और भी क्वेश्चन जितने भी टाइप के होते हैं, मैंने इस वीडियो में आपको केवल फाउंडेशन समझाने की कोशिश की है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताए हुए हैं। अब जो भी मैं पार्ट लाऊंगा उसमें हम धड़ाधड़ स्पीड में क्या करेंगे, क्वेश्चन ही करेंगे, तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझें और सीखें, क्लियर है। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।